वेलकम बैक नॉलेज केबीसी। आज हम हरियाणा बोर्ड का 10th क्लास का एनिमल हस्बेंड्री का जो पेपर है उसका सेटअप चेक करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे कैसा पेपर आता है। तो जो फाइनल एग्जाम्स में आपका पेपर आता है एनिमल हस्बेंड्री का, उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप, सॉरी 3 क्वेश्चन ऐसे टाइप आएंगे, 5-5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन ये ऐसे टाइप 5-5 नंबर के 15 नंबर हो गए। 6 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स वाले आएंगे 18 नंबर, 9 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले 18 नंबर यहां हो गए, और 1-1 नंबर वाले 9 क्वेश्चन 9 नंबर के हो गए। टोटल 27 क्वेश्चन 60 नंबर और 3 घंटे का पेपर होता है। और जो इसके अंदर टॉपिक है पशुओं के महत्वपूर्ण सूक्ष्म विषाणु रोग 4 नंबर का, मुर्गियों के सूक्ष्म रोग 4 नंबर, पशुओं के कीटाणु रोग 5 का, परोपजीवी रोग 6 नंबर का, बाह्य परोपजीवी 4 नंबर का, पशु प्रजनन 6 नंबर, पशु जनन एवं कृत्रिम गर्भाधान 6 नंबर का, पशुओं के आहार 5 का, पशुओं की देखभाल 4 नंबर का, उसके बाद डेयरिंग 6 नंबर का, दुग्ध वितरण योजना 4 नंबर में, और पशु मेले व प्रदर्शनी, पशुओं का भार व आयु ज्ञात करना आदि 6 नंबर का। तो टोटल आपका 60 नंबर का हो गया। और डिफिकल्टी लेवल जो है 10% आपका डिफिकल्ट, 50% एवरेज और 40% ईजी आता है बिल्कुल। तो इसके हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जो 4-4 नंबर वाले देखिए इसमें क्या आपको टाइम कैसे बचता है, जो हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 3, अब इसमें देखिए जहां जहां जो टॉपिक 4 नंबर का है उसका मतलब उसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, तो आप उनमें से बड़े क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें से आना ही नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।